वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडकोड जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जजमेंट बताने वाला हूं, जिससे सभी पतियों को फायदा होने वाला है। क्योंकि पतियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस को लेके। अगर वो मेंटेनेंस नहीं चुकाते हैं तो उनको जेल हो सकती है। ये सभी ने सुना है और ये कानून भी है। पर आज का जो जजमेंट बताऊंगा उसको सुन के अगर आपके मन में ये टेंशन हो रही है कि मेरे पास में तो मेंटेनेंस है ही नहीं, मैं चुका नहीं पाऊंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, जबकि समाज में मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है, तो यहाँ पे आप अगर जेल से बचना चाहते हैं और मेंटेनेंस आप चुका नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेंटेनेंस एक गले की हड्डी है जो न तो बाहर निकलती है न अंदर जाती है, और इससे पति काफ़ी परेशान होते हैं। कहीं से भी एडजस्ट करके अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर पतियों के ऊपर हो जाता है तो वो चुकाते हैं। जब उनकी क्षमता नहीं है फिर भी वो कहीं से ये व्यवस्था करते हैं और पत्नी को मेंटेनेंस पे करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि मैं अगर मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो मुझे जेल हो सकती है, और अगर एक बार जेल हो गई तो जो समाज में मेरी इज्जत है उसके ऊपर दाग लग जाएगा, और लोग ये बातें करेंगे कि इसकी पत्नी ने इसको जेल में भिजवा दिया, इसको जेल करवा दिया, और फिर मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूंगा। तो यहाँ पे डर की वजह से पति कहीं से भी एडजस्ट करके उस मेंटेनेंस को चुकाते हैं। कई पतियों के तो ये सवाल भी मेरे पास में आते हैं कि सर, हमारे ऊपर एंट्री मेंटेनेंस लगा हुआ है और काफ़ी समय से हम पे भी कर रहे हैं, कई बार पे भी नहीं कर सके, और अभी जो एरियर है वो कई लाख रुपए का हो चुका है, बहुत मोटी रकम हो चुकी है जो हमारी क्षमता से बाहर है। तो इतनी मोटी रकम, इतने लाख रुपए हम एक साथ पत्नी को नहीं दे सकते हैं एरियर के रूप में, क्योंकि हम टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके तो दे सकते हैं पर एक साथ नहीं दे सकते हैं। अगर हम ये एरियर नहीं देते हैं तो क्या हमें जेल हो जाएगी? हम जेल जाने से कैसे बच सकते हैं? तो यहाँ पे ये जो जजमेंट बताने वाला हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपको जेल जाने से बचा सकता है। और इसमें ऐसा ही हुआ था, इस जजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने एक ऑर्डर किया पति के खिलाफ, क्योंकि पति ने क्या किया, एरियर जमा नहीं किया, पति के ऊपर एरियर लगा हुआ था, और पति को प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने जेल भेज दिया, पति को जेल कर दी गई क्योंकि पति ने एरियर जमा नहीं किया। अब पति का मामला जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट के द्वारा मामले को बारीकी से देखा जाता है, और ये पाया जाता है कि प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने कोई प्रयास ही नहीं किया मेंटेनेंस लेने के लिए, जो रास्ते होते हैं वो अपनाए ही नहीं है, और डायरेक्टली यहाँ पे पति को जेल कर दिया गया। यहाँ पे जो तमाम रास्ते हैं उनको अपनाना चाहिए, डायरेक्टली ऐसे किसी पति को आप जेल नहीं भेज सकते हैं, ये कानून का उल्लंघन है। आपको जो हर संभव प्रयास है वो करने चाहिए मेंटेनेंस को रिकवर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ही उसको जेल भेज रहे हैं। जो तमाम रास्ते हैं उनको आप अपनाओ, और उनमें अगर सक्सेस ना मिले, कोई भी रास्ते अगर ना बचे, तो यहाँ पे फिर आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ही उसको अरेस्ट करके जेल में भिजवा रहे हो, ये एक गलत है। तो यहाँ पे उस पति को जो जेल हुई थी, जेल से उसको आज़ादी मिली, और इस तरीके से अगर पति के ऊपर एरियर लगा हुआ है तो यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली उसको जेल नहीं होने वाली है, वो प्रोसीजर चलेगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा, आपकी बातें भी सुनी जाएगी कि अगर आप एरियर नहीं दे पा रहे हैं तो इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी जो परेशानी है वो कोर्ट के सामने आप रखो, भाई इस वजह से मैं एरियर एक साथ नहीं दे सकता हूँ, देऊंगा तो टुकड़ों में देऊंगा, या फिर ये रीजन है, तो वहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ही जेल भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एरियर जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका रीजन है वहाँ पे दीजिए, और उस तरीके से आप जेल जाने से बच सकते हैं। तो ये जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता हुआ है तभी आप इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।